शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कैसी लगी हमारी मोटे? छोड़ ना यार, काय को तंग करते गरीब आदमी को? गरीब आदमी जरा गरीब की सूरत तो देखो, सुभान अल्लाह। हाथ नहीं लगाना, अब हम घर घर श्री वाले हो गए। अब तो मेरी एक बीवी है, माँ है, दुनिया में सबसे अच्छी माँ। अपन के लिए कुछ कमाना भी तो पड़ेगा ना। अरे यार, तुम लोग तो जानते ही हो मुझे कुछ कामकाज तो आता ही नहीं। अरे यार, मेरा मतलब है कि मतलब छोड़ यार, मैं बोलता मैं, मेरे डैडी का एक गैराज है जो कब से बंद पड़ेला है, हम सब फ्रेंड लोग मिलकर उसे खोलते हैं। जान मेरी, पहले हम गाड़ी तोड़ा करते थे, अब जोड़ेंगे। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे मेरा बेटा। चार चम्मच भर कर डाली चीनी। वो तो लग रहा है। अरे, कोई लॉटरी लग गई है क्या तेरी? मेरी लॉटरी तो तू है माँ। ये देख 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 तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कैसा लगता हूँ? माँ, मेरी ये साड़ी वगैरह में चॉइस तो है नहीं, तो जैसी मिली वैसी ले आया। और ये मेरी पहली कमाई। तेरी पहली कमाई मेरे लिए? मेरी पहली कमाई मेरी प्यारी सी माँ के लिए। तूने माँ की उजड़ी हुई गोद भर दी है मेरे लाल। भगवान तेरी कमाई को बरकत दे। बस माँ, तू इसी तरह सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिए जा, और फिर देखना तेरा बेटा जमाने भर की खुशियां लाकर तेरे कदमों में डाल देगा। शर्मा जी, धीरेन्द्र प्रताप जी, आप आइए आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। शहर आया था, सोचा कि आपसे मिलता चलो, आखिर आप हमारे खानदान के पुराने सॉलिसिटर तो ठहरे। शुक्रिया, इस गरीब को याद किया। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? शर्मा जी, ऐसा लगता है अब तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ? हाई कोर्ट ने लक्ष्मी देवी के उस वसीयतनामे को मानने से इनकार कर दिया है जिसमें उन्होंने अपनी आधी जायदाद मेरे बेटे के नाम लिख दी थी। अब मेरा बेटा तो रहा नहीं और दूसरा कोई वाली वारिस भी नहीं बचा है। अब सारी जायदाद मेरे नाम करने में आपकी सरकार को पता नहीं क्यों तकलीफ हो रही है। दरअसल बात यह है धीरेन्द्र जी कि अदालत का सारा कारोबार सबूत पर चलता है और आज तक लक्ष्मी देवी, रवि और काजल की लाशें बरामद नहीं हुई हैं। यानी आप यह चाहते हैं कि मैं उन तीनों की लाशों को ढोकर अदालत के सामने पेश करूं? और अब तक तो उन लाशों को चील कौवे भी खा चुके होंगे शर्मा जी। आप ठीक कहते हैं, लेकिन सरकार को तो सबूत चाहिए। अगर मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वो मर गए हैं, तो अदालत के पास क्या सबूत है कि वो जिंदा है? सबूत सबूत तो एक है, कुछ कच्चा पक्का सा। शर्मा जी, जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहे हैं आप। आप मुझे गलत ना समझें। ये देखिए, लक्ष्मी देवी ने अपनी मौत से पहले
एक नई वसीयत तैयार की थी, जिसके मुताबिक उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपनी बहू और उसके होने वाले बच्चे के नाम कर दी है। ये तो नकल है। असली कागजात तो अदालत में जमा है, और अगर 6 महीने तक कोई सबूत नहीं मिला तो सरकार सारी जायदाद जब्त कर लेगी। आधी बात तो आपने बता दी शर्मा जी, और आधी आप पता कर लीजिए। सॉलिसिटर है शर्मा, तुम्हारा काम है शर्मा के सर पर चील की निगाह बनकर मंडराना। वो कहां जाता है, किस किस से मिलता है, हमारा मकसद पूरा करने के लिए शायद तुम्हें लाशों के ढेर लगाने पड़े। बदले में हम तुम्हारे सामने नोटों के ढेर लगा देंगे। पेशगी। बाप गाड़ी कब की ठीक खड़े ली। लाला ट्राई मार के आता। स्टार्टिंग में लफड़ा है थोड़ा, बरोबर चेक कर ला है। हाँ चेक कर लाता हूँ अभी। अरे राजा वो जाते हुए थिएटर देख लेना। ओके जी, मैं डैनी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो डैनी। राजा भैया जीप लेके निकले थे, उनका उनका एक्सीडेंट हो गया है। काजल, काजल कहाँ जा रही है बेटी, क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब ये पट्टी वट्टी मत लगाइए, मेरी माँ परेशान हो जाएगी। आप तो बच्चों की तरह कर रहे हैं, फिक्र मत कीजिए। अरे मैं तो नौजवान हूँ, मेरी माँ जरा छोटी सी है, जरा आराम से। अरे काजल, काजल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काजल, काजल मैं ठीक हूँ। चलो काजल, क्या हुआ था, कहाँ चली गई थी बिना बताए? मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? पूछे ना उनसे, खबर लीजिए इनकी। अब बताइए कहाँ गई थी आप, क्या हुआ था? हाँ बेटी, बेटी कुछ, अरे ये पट्टी कैसी लगी हुई है, क्या हुआ? अरे माँ अब तू शुरू हो गई। कुछ नहीं हुआ, छोटी सी खराश आई है। वो क्या है ना कि अब मैं जीप में जा रहा था। हाँ। अब मैं जा रहा था तो जा रहा था, और यूं ही जाते जाते थोड़ी सी ब्रेक फेल हो गई। क्या, तेरी चोट नहीं आई कहीं? अरे माँ कुछ नहीं हुआ, देखो ना आपके सामने खड़ा हूँ, हट्टा खट्टा वन पीस, देखो ये कान नाक आँख सब बराबर है। उसने भी मेरी बात नहीं सुनी, चली गई। तभी उस तरह भाग के चली गई थी। हाय हाय, मेरी तो जान निकल गई थी। बेचारी ने कुछ खाया पिया भी नहीं है, उसका व्रत है आज। व्रत? आज करवा चौथ है बुद्धूराम, तुझे नहीं पता?
औरतों का भी अजीब है। अच्छे भले आदमी को देवता बना देती हो। देखा काजल, मैंने आज तुम्हें पाई लिया। हाँ राजू। क्या कहा? राजू। एक बार फिर से कहो, मुझे आज तक किसी ने इस नाम से नहीं पुकारा। राजू, 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 राजू।